माय डियर्स, आई हैव द टॉप सब ठीक हूं मैं। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्पीड एंड वेलोसिटी। आज हम स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ एमसीक्यूज और फार्मूले के ट्रिक्स देखेंगे कि किस तरह हम उस ट्रिक्स को यूज करके बड़े से बड़े न्यूमेरिकल का आंसर कम से कम टाइम में दे सकते हैं माय डियर्स, जब एमसीक्यूज टेस्ट हो स्पेशली एमकेट के लिए। ठीक है, स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। जब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे आप तो स्पीड आपको मिलेगा, जब डिस्प्लेसमेंट को आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा। क्या मतलब टाइम से डिवाइड करना, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर कर रहे हो आप, कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर कर रहे हो, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहे हो, दैट इज नोन एज स्पीड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ओनली आप इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, बट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड के साथ, मिकदार के साथ आपने उसका डायरेक्शन भी बताना है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरफ है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन की तरफ हो, वेलोसिटी का वही डायरेक्शन होता है। ये चीज आपने याद रखनी। स्पीड मीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं, वेलोसिटी बीम मीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं। किस तरह मीटर पर सेकेंड, देखिए मैंने कहा था कि डिस्टेंस भी मीटर में और डिस्प्लेसमेंट भी हम मीटर में मेजर करते हैं, तो इसका मीटर हो गया। ये टाइम क्या है, सेकंड में हम मेजर करते हैं, तो टाइम सेकंड ऊपर जाके पर सेकंड हो जाता है, जिसकी वजह से इसका यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड। और इसका भी यूनिट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मीटर है और टाइम का सेकेंड है, तो सेकेंड ऊपर जाके पर सेकेंड बना, तो मीटर पर सेकेंड। ये चीजें आपने याद रखनी। स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं माय डियर्स। और यहाँ पे एवरेज, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक मुख्तसर वक्त में जो चेंज आ जाता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो विद लिमिटेड टाइम, टाइम अप्रोच टू जीरो, जब टाइम अप्रोक्सीमेट जीरो होता है, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो चेंज आ जाता है, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिसको हम डेल्टा डी से रिप्रेजेंट करें डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी माय डियर्स। तो अभी हम जाएंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे और कुछ ट्रिक्स जानेंगे कि जब डिस्टेंस इक्वल होगा तब हम एवरेज स्पीड किस तरह मालूम करेंगे, जब टाइम इक्वल होगा तब हम किस तरह यूज करेंगे, और उसके बाद हम रिलेटिव वेलोसिटी को देखेंगे, उसके एक दो एमसीक्यूज देखेंगे माय डियर्स। यहाँ पर माय डियर्स आप देख सकते हैं, ठीक है, कि कोई बॉडी है वो लाहौर से इस्लामाबाद तक गई 60 किलोमीटर पर आर, और ये एमसीक्यूज है एमडिकेट के लिए आप इंडिया से। वही लाहौर से इस्लामाबाद, यानी इस्लामाबाद से जब वापस लाहौर आई तो वही बॉडी 40 किलोमीटर पर आर के हिसाब से। तो अभी हमने एवरेज स्पीड मालूम करना है, तो आप इस तरह नहीं कर सकते कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम और आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह आपको नजर आ रहा है, मैंने आपको बताया कि ऊपर, जिस तरह मैंने ऊपर बताया कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज स्पीड आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्टेंस सेम है, यानी लाहौर से इस्लामाबाद गए वापस इस्लामाबाद से लाहौर आए, यानी डिस्टेंस सेम है। जब डिस्टेंस सेम होगा फिर हम एवरेज स्पीड का कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, जब टाइम सेम होगा फिर एवरेज स्पीड का कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये शॉर्टकट ट्रिक्स आपको आने चाहिए। आगे जाके नेक्स्ट पेज के ऊपर देखते हैं माय डियर्स, उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी के भी कुछ पॉइंट्स है वो भी देखेंगे माय डियर्स। माय डियर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फॉर्मूले लिखे, अगर आपने एवरेज स्पीड मालूम करना हो जिसे हम VAV से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एवरेज स्पीड, जब डिस्टेंस सेम होगा, यानी इस तरह डिस्टेंस सेम होगा, जैसे 100 किलोमीटर कोई बस मूव करता है इतने मिनट्स में, नेक्स्ट 100 किलोमीटर फिर कोई बस इतने टाइम के साथ मूव करते हैं, तो 100 यानी 100, तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम है। कोई बॉडी है क्वेटा से लाहौर तक गई, लाहौर से वापस क्वेटा आई, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस सेम है। जब डिस्टेंस सेम होगा तो फिर आपने एवरेज वेलोसिटी का ये फार्मूला यूज करना है, यानी 2 VI, यानी जो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी, सेकंड वेलोसिटी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे V1 और V2 से। इसी तरह अगर आपने एवरेज स्पीड मालूम करना हो जब टाइम सेम होगा, कोई बॉडी 10 सेकंड में मूव करती है
इतने किलोमीटर के साथ, फिर अगले 10 सेकंड में कोई 100 किलोमीटर के हिसाब से मूव करती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 10 सेकंड, टाइम सेम है, ठीक है। जब टाइम सेम होगा, ठीक है, जब टाइम सेम होगा माय डियर्स, तो फिर क्या होगा, आपने एवरेज वेलोसिटी के ये वाली फार्मूला यूज करना है माय डियर्स। तो अभी जाते हैं, मैंने रिलेटिव वेलोसिटी के ये शॉर्टकट्स यहाँ पे लिखे, लेकिन उससे पहले अगले पेज पे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में मैंने एक एमसीक्यूज लिखा है डायग्राम की शक्ल में, ताकि फिर आपको इसका बेहतर समझ आ सके कि किस तरह एमसीक्यूज आपसे रिलेटिव वेलोसिटी के हवाले से पूछा जा सकता है। यानी जब एक बॉडी दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तब रिलेटिव वेलोसिटी किस तरह मूव करेंगे मालूम करेंगे। जब कोई दो बॉडीज जो हैं अपोजिट, यानी एक बॉडी एक सिंथ में दूसरी बॉडी दूसरे सिंथ में मूव करती है, चलती हैं, तब हमने रिलेटिव वेलोसिटी की किस तरह मालूम करना है। इसी तरह जब कोई 90 डिग्री के एंगल से, यानी एक बॉडी यू जा रही है और दूसरा यू जा रही है, जैसे क्रॉस ब्रिज पे आपने अक्सर देखा होगा, तब हम रिलेटिव वेलोसिटी को किस तरह मेजर करेंगे। ये वो शॉर्टकट्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक डायग्राम बनाया अगले पेज पे, ताकि वहां से फिर हम आसानी के साथ इनको भी समझ सकते हैं माय डियर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड के साथ मूव करती है, इसका मतलब है उसका इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी क्या है, इक्वल है। ये तो खैर एक पॉइंट्स एक्स्ट्रा पॉइंट था नेक जो स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। अभी हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में देखेंगे। सपोज ये एक ट्रेन की लेंथ है 150 मीटर लेंथ है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे एक बर्ड्स है जिसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है। ट्रेन की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, बर्ड्स की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, और ट्रेन की जो टोटल लेंथ है वो 150 मीटर पर लेंथ। अभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि बर्ड को कितना टाइम लगेगा इस ट्रेन की को क्रॉस करने में, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ट्रेन की कम है, तो ये बर्ड्स इस कैपेबल है कि वो इस ट्रेन को क्रॉस करे। तो एज कम्पेयर टू ट्रेन, आप इसकी टाइम हमें बता दें कि कितना टाइम इस बर्ड को लगेगा। यहाँ पे मैं इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ माय डियर्स। यहाँ पे मैंने इस जो ऐसी डायग्राम बना ली, इट मीन्स ये बर्ड है, ठीक है, इसकी 15 मीटर पर सेकेंड है और ट्रेन की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और टोटल जो लेंथ है वो 150 मीटर पर लेंथ है, 150 मीटर लेंथ है। तो इस बर्ड को कितना टाइम लगेगा इस ट्रेन को क्रॉस करने में, इस ट्रेन को की जो टोटल डिस्टेंस है इससे आगे निकलने में। तो ट्रेन की वेलोसिटी कम है, बर्ड्स की ज़्यादा है, तो इट मींस ये पॉसिबल है कि बर्ड्स जो हैं ट्रेन को क्रॉस करें। तो ये क्या है, यानी इसका भी वेलोसिटी है और बर्ड्स का वेलोसिटी भी है, ट्रेन की वेलोसिटी भी है, बर्ड्स की वेलोसिटी भी है। तो यहाँ पर बात आई रिलेटिव वेलोसिटी। इस तरह आपसे काफ़ी एमसीक्यूज पूछा जा सकते हैं। अभी हम ये देखेंगे, देखें ट्रेन भी इसी तरफ जा रहे हैं, बर्ड भी इसी तरफ जा रहे हैं, ठीक है, यानी इन सब की डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे, लेकिन अगर ये बर्ड इस तरफ जाए और ट्रेन यू जाए, तो ये अपोजिट हुआ, फिर हम किस तरह रिलेटिव वेलोसिटी यूज करेंगे। या फिर इस तरह केस भी हो सकता है कि सपोज यहाँ पर ट्रेन यू जा रहा है, ट्रेन बिल्कुल यू जा रहा है और बर्ड यू आ रहा है, और 90 का एंगल बने, फिर हम किस तरह रिलेटिव वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। इस तरह काफ़ी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। खैर हम अपने एमसीक्यूज पे आते हैं कि बर्ड की वेलोसिटी 15 मीटर है और ट्रेन की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, ट्रेन की टोटल लेंथ 150 मीटर पर लेंथ है, तो बर्ड्स को कितना टाइम लगेगा इस ट्रेन को क्रॉस करने में। हम आते हैं माय डियर्स, देखिए माय डियर्स, हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो डिस्टेंस क्या है, 150 मीटर लेंथ था ट्रेन का, रिलेटिव वेलोसिटी VRL मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, यानी आप क्या आपने क्या करना है, जो ट्रेन की वेलोसिटी है, जो बर्ड्स की वेलोसिटी वो 15 है और ट्रेन की 10 थी, तो इससे माइनस करके 5 बना, तो 5 को इससे डिवाइड करिए, 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि जब डायरेक्शन सेम होगा तो तब रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला ये है, जब एंगल जीरो बने, जब अपोजिट डायरेक्शन, यानी बर्ड यू मूव करे और ट्रेन यू करे। यहाँ पे सिर्फ बर्ड्स और ट्रेन की अपनी मिसाल नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो फिर आपने दोनों वेलोसिटी को प्लस करके इधर से डिवाइड कर देना है। जब डायरेक्शन 90 पे हो, यानी बर्ड यू जाए और ट्रेन यू आ रहा है, तब आपने क्या करना है, तब आपने इसका स्क्वायर रूट लेके उसको डिवाइड करवा देना है।
तो माय डियर्स, आई होप दैट यहाँ तक आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था स्पीड एंड वेलोसिटी आपको बेहतर समझ आएगा। इसमें हमने आपको ट्रिक्स बताए, एमसीक्यूज करवाए, डिफिनेशन बेसिक मैंने तो खैर एज इट इज नहीं लिखा, बारह बजे तक कॉन्सेप्चुअल बन सकता था वो मैंने आपके लिए लिखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक को लेके चलेंगे। तो इसी तरह हमारे साथ रहिए आखिर तक और मेरी इस पूरी सेशन को इंजॉय करें, लास्ट तक वॉच किया करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। माय डियर्स।